प्रेत बाधा वाले जितने रोगी हैं सब प्रेतियों को चमीटा मारे जाएं सेनापति, और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। राम बोलो, बागेश्वर बालाजी की, प्रेतराज सरकार की, प्रेतराज सरकार की। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए, और चमीटा मारे जाए, और चमीटा मारे जाए। बगल के पंडाल वाले घबराए ना, आप लोग घबराओ मत, बैठ जाओ, घबराओ मत, बैठ जाओ, यहीं रेलिंग तक रहने दो इन रोगियों, यहीं रहने दो। जरा तुम लोग एक तरफ हो जाओ, तीन नंबर पंडाल एक तरफ हो तुम लोग। हे हनुमान जी, हे बालाजी की सेना, हे सन्यासी बाबा की सेना, जितने प्रेत बैठे हुए हैं इन रोगियों के ऊपर, उन सबको गरम चमीटा की माल लगाई जाए। उठा पटक तेज की जाए, उठा पटक तेज की जाए, और तेज की जाए उठा पटक, और तेज की जाए उठा पटक, और तेज की जाए उठा पटक। सब लोग बैठ जाओ, बाकी एक बार में गुरु आज्ञा को मानो, बैठ जाओ सब, बैठ जाओ। राम, दो नंबर पंडाल वाले रोगियों को छोड़ दो, यहां आने दो, आगे यहां आने दो, यहां पर, यहां पर रहने दो, छोड़ो वो गली करवा दो। हे सन्यासी बाबा की सेना, हे बागेश्वर बालाजी की सेना, हे प्रेतराज सरकार की सेना, घर पर जितने प्रेत रोगी हैं, घर पर जितने प्रेत बाधा है, जिन जिन के घर पर है, उन सब प्रेतों को पकड़ करके लाया जाए, उन्हें माल लगाई जाए, माल लगाई जाए। और तेज उठा पटक करो, छोड़ दो दादा, तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, वहीं बैठो, वहीं बैठो। ये रोगी आएंगे कैसे, ये मुश्किल है, सब बैठे रहो। प्रेतराज सरकार की, बागेश्वर बालाजी की, बागेश्वर बालाजी की। इनको यहां भेज दो, रोगियों को, ये वाले रोगी पंडाल नंबर तीन के रोगी यहां से भेज दो, केवल प्रेत रोगी को। डी में थोड़ा पीछे हो जाओ, सब लोग जरा बैठ जाओ मुट्ठी बांध के, पूरी सेना आ रही है बालाजी की, बैठ जाओ सब मुट्ठी बांध के, सब लोग मुट्ठी बांध लो, सब बांधो मुट्ठी, आंखें बंद करो। बोले पेतराज सरकार की, पेतराज सरकार की, परम पूजन गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूजन गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पेतराज सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, पेतराज सरकार की, पेतराज सरकार की, पेतराज सरकार की, परम पूजन गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, परम पूजने गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की,
सभी लोग बड़ी भाव से जयकारा लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप जयकारा लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा प्रेत बाधा प्रेत वालों के ऊपर मार पड़ेगी। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पेत्रा सरकार की, पेत्रा सरकार की, पेत्रा सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, बागेश्वर बालाजी सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। जो मुट्ठी बांधे हैं तो मन ही मन ध्यान करो के हे बालाजी, हमारे घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, गंदी ऊर्जा है, गंदी शक्ति है, तो उसे तत्क्षण अपने दरबार में बांध लो। आंखें बंद करो सभी। सब जितने बैठे हुए सब नेत्र बंद करो, आंखें बंद करो, मुट्ठी को एक सिर पर रखो सभी, दाहिने हाथ की मुट्ठी की सिर पर रखो सभी। खोल दो मुट्ठी को, खोल दो, नेत्र बंद कर रहे रहो। सब प्रेतों को और तेज माल लगाई जाए, सब प्रेतों को और तेज माल लगाई जाए, सब प्रेतों को और तेज माल लगाई जाए, सब प्रेतों को और तेज माल लगाई जाए। आर तो भटका रहे जाए चमींटा, सर में मारे जाए। ओम आते सर में मारे जाए। आते सर में मारे जाए। कोई खड़ा नहीं होगा, हमें 7 तांबे के सिक्का चाहिए, ले आऊंगा ठीक है जी। आर्थिक विकास हो जाए है, बागेश्वर बालाजी कृपा कर रहे हैं, घर में सामंजस्य बनो रहे है, बुद्धि तुम्हारी ठीक रहे है, स्थाई बिजनेस योग बन जाए है, बालाजी की दया बनी रहे है, खूब भक्ति करो, सन्यासी बाबा की खूब कृपा बनी रहे है। आप रोज जो है 5 पाठ हनुमान चालीसा के करना शुरू कर दो, 1 हनुमान चालीसा का हवन शुरू कर दो। तुम्हारी अर्जी सिर्फ इसीलिए लगाई कि जौन रोड़ा तुम्हारे पितर बने हुए हैं, वो आज से रोड़ा जानते हो, रुकावट, रोड़ा का मतलब रुकावट, आज ही से वे रोड़ा रुकावट तुम्हारे दूर होने लग हैं, आज ही से 4 चांद लगन लग हैं। और तुम कहते के कापतो लाखन की भीड़ है, हमें बुला पाऊ के नहीं बुला पाऊ था, कापतो हम मिल पावी के ना मिल पावी, लौट के कहूँ हमें जा नहीं पाने कौन दरबार में। मैं काम पे जा रहा था लेकिन मुझको ऑटोमेटिक खींचा हुआ कि तू चल, मैं काम पे जा रहा था, मैंने कहा अब अपनी कथा हो गई, कल दरबार देख लिया, आज काम पे चले, लेकिन एक खींचा हुआ कि नहीं तू चल, मैं आ नहीं रहा था, लेकिन मुझे खिंचा हुआ है कि तू चल दरबार में। खींचने वाले ने बुला लिया और बुलाने वाले ने नाम लिया। ये ईमानदारी की बात है, इंदौर की जनता ईमानदारी की बात है। मैंने भैया ये अपनी 3 दिन कथा कर ली है ठीक है, और 1 दिन दरबार भी देख लिया है, आज शाम को कथा में आएंगे, आज काम पे चलते हैं, लेकिन ऐसा मन में खिंचा हुआ कि नहीं संदीप तू दरबार में चल। मैंने कहा चलो चमत्कार सबके लिए होगा, सबको भभूति मिलेगी, अपने को भी आशीर्वाद मिल जाएगा, बाकी ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि संदीप तू आ जाएगा बाबा के चरण में आ जाएगा, तो ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी मुझे। जाओ बागेश्वर बालाजी ने कृपा कर दी, एक मंत्र है उसको वहाँ पर भभूति वहाँ से ले लो, कवच हम तुम्हें धाम पे देंगे जब पधारोगे, बस 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 मोबाइल करके आपका बेटा खुश रहो, खूब काम करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। जो असंभव को संभव कर दे उन्हीं का नाम बागेश्वर बालाजी। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की। अगला आदेश अर्जी का है,
डी के पीछे सुमित्रा कुमारी बैठी हैं, सुमंत्रा सुमित्रा सुमंत्रा डी के पीछे में महिलाओं में, वो आ जाएं। जिनका नाम सुमित्रा सुमंत्रा हो, सुमंत्रा कुमारी नाम की अर्जी है। आप हैं आ जाओ, लेकिन शीघ्र आओ जल्दी। पंडाल नंबर 2 से अर्जी आई है। एक बालक बैठा हुआ जिसका नाम है रोशन, रोशन नाम की अर्जी। कौन सा पंडाल कहा हमने? हाँ पंडाल नंबर 2। अच्छा इस तरफ का देखो भैया, तब तक बोलो सीताराम। एक यहाँ पर प्रताप, कौन खड़े हैं यहाँ? एक बिटिया ले जो बच्ची चल नहीं पाती है, वो खड़े हुए हैं, उनके साथ वाले आ जाएं। आप कहीं पर भी विराजमान हो जाओ, जो आपके मूल प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लो, जो आपकी प्रमुख समस्या है। रोशन नाम के आए हैं, भेजो। तुम रोशन हो? लोशन तो नहीं सुनो, रोशन हमने कही। जय जय सियाराम। तुम वहां इस तरफ थे? हाँ। सबसे आगे तरफ में। हाँ ठीक। पहली बार यहाँ नाम आम लिखवाए थे क्या किसी को? नहीं नाम नहीं लिखवाया था मैं तो, किसी को नाम बताया? आपसे गुरु मंत्र भी ले चुका हूँ। हाँ। हटा में। हटा में रसोटा का रहने वाला हूँ। रसोटा छतरपुर जिले वाला? दमोह जिले वाला। अच्छा दमोह जिले। इतने कैसे आए तुम? यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा नौकरी, इतने ही रात का? अभी आया हूँ कादीपुर में, आपका दरबार देख के फिर यहाँ आ गया था मैं सीधे। अच्छा। और जानकारी मिली कि यहाँ भी आप आ रहे हैं, तो फिर 3 दिन से छुट्टी पे ही हूँ मैं। वाह आओ नजदीक में, अब छुट्टी तुम्हारी सफल हो गई। अच्छे से बैठ जाऊँ? बस आपके चरण चाहिए थे, कितने टाइम से हो गए अभी तक चरण नहीं मिले, तो इसलिए आपके चरणों की धूल चाह रहा था, और बस बागे धाम का आशीर्वाद फिर से चाह रहा था कि फिर से दरबार में एक बार आप बुला लो हमें। वाह बोलो क्या बात? मेरे को कुछ नहीं बोलना, जो आपने लिख दिया वही सही है। ऐसा कैसे सही है? ये और पगला हैं दो। जो प्रश्न करो जल्दी से। बस आपका आशीर्वाद चाहिए और बागेश्वर धाम का आशीर्वाद चाहिए, और मेरे परिवार हमेशा खुश रहे ये आशीर्वाद चाहिए। एक प्रश्न भी लिख कर आया है। एक प्रश्न मेरे को याद नहीं, आप ही बता दीजिए। हम तो बता भी बैठे, हमने लिख लो, लेकिन तुम्हें काज समस्या है। मेरे को खुशी इतनी हो रही कि वो समस्या भी भूल गया। लो जाओ, और बड़ी क्या बात है। जाओ और बड़ी आफत है, सिट्टी भूल हो जाता आदमी की। हैं? अब उनके चरणों में आ गए तो सारी सिट्टी मेरी खुद की गुल्लो हो गई है। आपके सभी काम बनेंगे, आजीवन पर्यंत धाम से जुड़े रहेंगे, स्थायित्व नौकरी करें अथवा रोजगार करें, इस पर द्वंद बना रहता है, दुविधा बनी रहती है। जी। हाँ या ना? जी जी जी। अब कहते हमें नहीं है पता, अब जो जी जी कर रहे हैं। नौकरी अभी करते रहें, 2 साल बाद स्थायी रोजगार, खुद की दुकान होगी, चिंता मत करो, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की जय हो। और जिंदगी भर जुड़े लो, पल्ले पाओ। जय जय सियाराम।
एक हमने मंत्र लिख दो, इको जाप करना। पूर्व में तुमने कोई देवी का उपाय करवाया था घर पर घर वालों ने? अच्छा, लाल झंडी भर लगानी है घर पर और अन्य कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, कोई तंत्र या कोई विद्या रोक नहीं लगाए हैं। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। सुमंत्रा बोलिए, बागेश्वर धाम की। खुश रहो। बोलो सीताराम, साधु जी सीताराम। आइए नजदीक आओ मैया, मन में सभी राम नाम का जप करें। माइक लो। कहाँ से हो आप? इंदौर से। इंदौर में कहाँ से? पंचम की फेल। अच्छा, नजदीक आइए, थोड़ा नजदीक आइए ताकि पढ़ सके। बोलो क्या बात? सब खत्म हो गया गुरुजी, अभी सितंबर से सब खत्म हो गया। क्या मतलब? काम धंधा 2016 से काफी परेशान हूँ। बच्चे की गाड़ी चोरी हो गई है। नजदीक थोड़ा और नजदीक आओ माता। हम लोगों के बिल्कुल हाथ टिक गए दोनों माँ बेटे के। कोई बात नहीं। घर पर तंत्र बाधा 6 साल पहले प्रभाव करवाया गया जिससे बिजनेस बंद हो गया, काम में रुकावट लग गई, बहुत ज्यादा बालक को क्रोध आने लगा है। क्रोध यानी गुस्सा, बहुत ज्यादा क्रोध आने लगा है जिसकी चिंता से आप वर्तमान में बहुत चिंतित हैं। रात को कोई बहुत ज्यादा परेशान करता है, जैसे श्वास रोक रहा हो, जैसे गला पकड़ रहा हो, आपके घुटनों में पीड़ा बनती है। 2 बार अन्य दरबारों की उपाय भी किए हैं, बहुत दरबारों में आप जाते हैं, प्रयोग भी बहुत करते हैं, स्वयं भी बहुत प्रयोग करते हैं। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी के भक्त हैं। आपने आज भी पूजा में 2 तुलसी के पत्ता लगाए हैं ठाकुर जी को जी। वैसे तो आप ठाकुर जी के भक्त हैं, उनकी कृपा बहुत, हाँ या ना? हैं, हम सब देखा था रही माता, आदमी हमारे सामू बैठा तो उनको वीडियो शुरू हो जाए। लेकिन आपकी गलतियां भी बहुत हैं जिनका यह दुष्परिणाम है। तंत्र विद्याओं में या इसमें हम ये नहीं कहते कि कौन सही है कौन गलत है, हम लाखों की बात यह कहेंगे, तंत्र विद्या या कोई भी तांत्रिक या कोई भी जानकार अथवा हम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते जब तक बालाजी की कृपा ना हो। तो बात यह है कि हम जो बताना चाह रहे हैं, पहले वो पूरी बात सुन लो। बात यह है कि कोई अगर, अब चूंकि तुम तो हैरान हो, तो तुम्हें तो कोई ना कोई चाहिए, कोई रास्ता बताए उसकी बात माननी है। बात यह है कि उसकी उतनी बात मानो जितनी लिमिट हो, लिमिट से बाहर आपने उपाय की। गुरुजी माइंड ही बंद हो गया मेरा तो, ऐसा लगता है आत्महत्या कर ले हम तो। नहीं वो करने नहीं, आपने जो उपाय किए उन्हीं का साइड इफेक्ट है, कुछ समझ में नहीं आता गुरुजी। क्योंकि मुसलमानी उपाय हुआ है, जो विद्या का प्रयोग हुआ है मुसलमानी हुआ। ये कौन करवाता हम लोगों को? अब बाहर का ना का लेने देने हमें नहीं है पता, हमें इतना जाना इतना ही है, मूर्ख आदमी है, हमें ज्ञान नहीं है। लेकिन हम ठीक कर देवी जो आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की। तंत्र है बंद बालाजी से करवा देवी, बागेश्वर बालाजी कृपा कर दें, आशीर्वाद है। ठीक है, कोई संदेह? सुधर जाएगा, काम चलेगा। एक मंत्र लिखा 3 माला, घर पे जाकर के 40 दिन तक गौमूत्र का छिड़काव करना है, क्योंकि बहुत गंदगी हो गई है आपके घर में। गंदगी मतलब तंत्र की गंदगी। 2 ठैया आप कवच भी कोई सिद्ध करके रखे हैं, हमारे भाई भाई में आए हैं बंधन के कवच, उन सबको अगर काम कर रहे हो तो रखना, नहीं तो विसर्जित कर दो। एक देवी की दुर्गा जी का चित्र आया है, दुर्गा जी का चित्र आया है, दुर्गा जी के चित्र के पास में एक कवच रखा हुआ है, छोटा सा नीचे की तरफ में, पीछे की तरफ में है, जो ऐसी टिकी रखी हुई है पीछे की तरफ में दुर्गा जी के चित्र में जो कवच है, उसे भी विसर्जित कर देना, कोई जरूरी नहीं है, आशीर्वाद। और तांत्रिकों के चक्कर में ना पढ़ के राम नाम के चक्कर में पढ़ो, ठाकुर जी की भक्ति करो। कोई भी दुनिया का इंसान कोई चमत्कार नहीं कर सकता, राम नाम के अलावा कोई चमत्कार नहीं है। हम भी बता रहे तो हम स्वयं चमत्कारी नहीं हैं, राम नाम का जब चमत्कारी है तब हम तुम्हें बता पा रहे हैं। बोले बालाजी सरकार की।
लड़का सुधर जाए है उसकी फोटो लेकर के बेटे की आ जाना, हनुमान जी दया करेंगे, बैठा देना यहाँ प्रणाम करवा देना, बाद में वो सुधर जाए, बुद्धि उकी ठीक रहे, काम उनको तेज गति के साथ आगे स्थायित्व तो हो जाए और चले भी धाम पर भेजत रहियो, पेशी करत रहियो। तांत्रिकों का चक्कर फिर कहेंगे छोड़ दो, बिल्कुल भी छोड़ दो, क्योंकि एक तांत्रिक बहुत गंदे रूप से जुड़ो। बस जय जय हो जय, चिंता ना करो। कहाँ है वो लड़का? कहा है भैया उत्तम बाबू, पगवा उगवा ले आओ कहते हैं। कहा है भैया पगवा उगवा ले आओ, खा लिया चले जाओ, नकटा मान जा, इत आएंगे इत कड़े आ बखरी में आ, कम हियर माई डियर, इधर जाओ माता जी, हम करें दो ही तो पार, कोई बात नहीं बालाजी कृपा कर, जाओ जाओ हाँ ठीक करें दो दिमाग, हमने अच्छन अच्छन को ठीक कर दो, खुद को भर ठीक नहीं कर पाए दिमाग। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हम भैया कुछ भी नहीं है, जो कुछ है बागेश्वर बालाजी हैं, बस इतना ही कह रहे हैं हम तो। आओ माता जी, माइक लो पहले नंबर, तो कहाँ से आई? सागरपुटी बेटमा। यहाँ एक पत्रकार बैठे हैं, नहीं आप नहीं, आप तो हो, आपके बगल में कौन सी न्यूज है? अरे आपकी तो ठीक है, अच्छा चलो तुम तो आई जाओ, तुम्हारी क्लास लगाऊंगे हमें, नहीं जरूरी नहीं। बोलो बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। माइक लो पत्रकार महोदय, इधर आओ। आप वही हो ना जो एक बार एक माननीय हमारे बड़े प्यारे मंत्री जी के साथ आए थे? अच्छा बे का खुरापात थी, दिमाग में कोई खुरापात थी क्या? नहीं, दर्शन करने तो बहुत अच्छे आए। कौन सी न्यूज है आपकी? नौकरी करते हैं तो वही तो। भाई भाई मैं बार बार सिग्नल आए तुम्हारे ना हो के सो हम टेंशन में हो गए। बोले एक आंगन डी के पास में एक पत्रकार भेज बैठो खुरापाती, हाँ सो यही से हमने बोला लो माइक लो। क्या पढ़ाई है आपकी जी महाराज जी? पढ़ाई क्या है? पढ़ाई मैंने बीए एलएलबी और पत्रकारिता में स्नातक किया है। एजुकेशन में? पत्रकारिता में डिग्री ली है। वाह, इनको समस्या क्या है आप इनके चेहरा की तरफ देख के बताओ। मैं कैसे बता सकता हूँ, तो हनुमान जी महाराज बता सकते हैं। माता जी हैं, इनकी चेहरा की तरफ देखो, का हो सकत? मैं थोड़ी अंतर्यामी आप हैं। नहीं नहीं नहीं, हम अंतर्यामी नहीं, कोशिश करो ना, हो सकत हम वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो चेहरे को देख लेने वाली, वो क्या बोलते हैं उसे, फेस रीडिंग आप करो, पढ़े लिखे हो ना, बहुत अनुभव भी है, बहुत लोगों से भी जोड़ते हैं, करो करो कोशिश तो। मैं नहीं बता सकता इतनी सी, आपके सामने कैसे बता सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, जीरो बटा जीरो है, पगला आदमी मुंह रखा। आप कोशिश करो, इससे आपको बहुत प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, आपके साथ बहुत लोगों को मिल जाएंगे जो कहते हैं कि सामने बैठते ही पढ़ लेते हैं। कोई और ऐसा कर सकता है जो दावा करता हो कि सामने बैठे व्यक्ति के मनोभाव हम कुछ कुछ बता देंगे? आप नहीं,
बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब ये होती जो होगी जी, चेहरे को पढ़ लेना होता है ऐसी कोई कला? नहीं, वो तो जिसको उसका ज्ञान हो वही कर सकता है। सब नहीं। अच्छा, ना चेहरा कोई देखे हो बता दे तो इसका मतलब कुछ कृपा है? आप मानते हो? बिल्कुल, तभी तो आपके दरबार में आए। बाहर में भाव जाओ तो मन माने तो हमें। बेटी है, बिटिया को झटका आते चल नहीं पाती, शरीर शिथिल है, पैर अकड़े हुए हैं, सुन्नपन है, ब्रेन में समस्या है, डॉक्टर ने लाइलाज घोषित किया हुआ है। बच्ची पर कृपा होगी, चिंता मत करें। लार टपकाती रहती है, लार टपकाती रहती है, पूर्ण आराम नहीं लगना, पर 20% की गारंटी हमारी है, आशीर्वाद है। श्री राम। अब यहाँ सब पढ़ाई और पत्रकारिता भी जीरो, विज्ञानिकता भी जीरो, अब को बचे धर्म। बागेश्वर बालाजी, जय श्री राम।